ये इन लोगों का प्रोपोगंडा रहता है कि कैसे क्लाइंट्स को अपनी तरफ हम लोग अट्रैक्ट कर सके। ये जो जमीन है ये 10 एकड़ की है क्या, ये सवाल तो गवर्नमेंट को जाता है। इन लोगों ने क्या भांग खा के रजिस्ट्रेशन किया है जमीन का? सबको पहले 100 बुकिंग्स को स्कूटी दी जाएगी, उसके बाद में लोगों को कार दी जाएगी। काम शुरू होगा 15 दिन में काम शुरू होगा और यही सुनते सुनते आज हमको 5 साल हो गया। बट इन लोगों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा हुआ। तो महारेरा कहाँ गया था? बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट रख के पैसे दी जाते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लोग किस हिसाब से इन्वेस्ट करें। आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम हैंड टू माउथ भी नहीं है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि जिस बैंक ने हमें लोन दिया है वो कहाँ गया था? 2016 से मैं एवरी संडे इस प्रोजेक्ट पे आती हूँ और ये कंडीशन मैं 2016 से ही देख रही हूँ। धमकियाँ पे धमकियाँ मिली, हम बिल्डर से धमकियाँ लेने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारा घर मिल गया होता तो आज हमको रेंट पे नहीं करना पड़ता, आज 10,000 के नीचे कहीं पे भी रेंट पे। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। एक ऐसी खबर हम आपको बता रहे हैं जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि बिल्डर लीगल प्रोजेक्ट में फ्रॉड कर सकता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 45 ऐसे लोगों के साथ स्कैम हुआ है। 420 का मामला भी दर्ज हुआ है। दरअसल मामला सिंहफाटा और बीवा के रास्ते पर खरड़ी पाड़ा है, इलाका है जहां पर बिल्डर महेश पटेल और पटेल ब्रदर्स के 6 से 7 लोग हैं, जो एक ग्रुप है साई ग्रुप, ओम साई ग्रुप बनाकर बायर से बुकिंग 2013 से सिलसिला शुरू किया था। किसी को 2018 में पोजीशन देना था, किसी को 2016-17 में पोजीशन देना था, मगर 2021 चल रहा है, अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। लगभग 20 करोड़ के आसपास का स्कैम बताया जा रहा है। बायर्स का कहना है बिल्डर से लेकर अधिकारी मिले हुए हैं। हम आपको सुनाते हैं, बायर्स ने इस पूरे मामले में बहुत सारे बातें पत्रकारों से बताई है। सुनिए उनकी जबानी, कैसे भोली भाली बायर्स बिल्डर के झांसे में आए और उनके साथ स्कैम हुई है, सुनिए आप। नंबर वन, ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर है, इसीलिए यहाँ पे सारे बायर्स लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया और खुद का पहला घर यहाँ पे बुक किया। नंबर दो, बिल्डर ने 2012 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 2012 से 2016 के बीच में 2015 और 16 का पजेशन डेट के हिसाब से उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिनको ये घर अभी तक नहीं मिला है। नंबर तीन ये है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनका सबसे बड़ा एक बग ये है कि उन लोगों ने एक ही बिल्डिंग में एक ही रेरा नंबर, एक ही सर्वे नंबर पे नंबर ऑफ़ फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन में नंबर ऑफ़ पजेशन का डेट डिफरेंट कैसे एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने एक ही बिल्डिंग में नंबर ऑफ़ बायर्स के लिए अलग अलग पजेशन डेट कैसे एक्सेप्ट किया। नंबर फिफ्थ नंबर का ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब महारेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो महारेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होने के बावजूद, रेरा की कंप्लेन होने के बावजूद, बायर्स के फेवर में रिजल्ट क्यों नहीं लगाया गया और जो जिनका रिजल्ट लगाया गया उसके ऊपर में एग्जीक्यूशन क्यों नहीं किया गया। इसमें थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन TMC के जो अप्रूवल्स है उसको भी इन लोगों ने फ्रॉड के चक्कर में दबा दिया। इनको अप्रूवल अभी तक जो हम लोग के पास में गवर्नमेंट के RTA के द्वारा जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट हुए है उसमें ओनली 13 माला तक का परमिशन दिया गया है और बिल्डर ने 13 माले के ऊपर का पजेशन डेट में डाल के फ्लैट सेल कर दिया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे बड़ा फ्रॉड तो यहाँ से है। ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है, इसमें बिल्डिंग के बिल्डर से लेकर तो इस जगह के 2 या 3 हमारे पास में जितनी इन्फॉर्मेशन आई है वो फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है और इसमें गवर्नमेंट, TMC डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट के जो तहसील डिपार्टमेंट होता है उनने एक स्टे ऑर्डर डाला इसके ऊपर में। हमारी एक्शन के बाद में इसके ऊपर में एक स्टे ऑर्डर हमारे पास में है कि आप 2018 के बाद में कोई फ्लैट सेलिट नहीं कर सकते। इनने पुणे की एक फैमिली को वो फ्लैट सेलिट करके दिया। इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट का जो थाने का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, मुद्रांक डिपार्टमेंट, वो इसमें 100% इन्वॉल्व है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी हमारे लिए ये बात है कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट का जो पैसा है उसको लेकर इन लोग ने कल्याण में प्रोजेक्ट डाला और उसमें सारे के सारे बायर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के, होम मिनिस्ट्री के। तो जिस प्रकार हम आपको ये बता रहे थे कि ये तो फेज टू वालों के साथ में जो स्कैम किया गया है, कल्याण के प्रोजेक्ट का भी स्कैम किया गया है,
ये जानकारी के आधार पे आपको नहीं बता रहे, इसके हमारे पास में लीगल एविडेंस है जो हमारे फेस टू के रिलेटेड है। हमारे पास में ऐसी बहुत सारी रजिस्ट्रेशन कॉपी है जिसमें हमारे 45 बायर जो है जिन्होंने अपने हाथ से हमें एसोसिएशन ऑफ अलाटी के लिए कंसर्न फॉर्म पे सिग्नेचर किया है कि हम एसोसिएशन ऑफ अलाटी के मेंबर्स है और हमें 2016 से लेकर 2018 के बीच में पजेशन का डेट दिया गया, पेज नंबर 12 से लेकर 14 के बीच में। 2013 से 15 के बीच में इनने एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी एमिनिटीज मेंशन की, बस फैसिलिटी मेंशन की, 10 एकड़ का प्लाट बताया गया। सबसे बड़ी बात, ये 10 एकड़ की जमीन है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो जमीन है ये 10 एकड़ की है क्या? ये सवाल तो गवर्नमेंट को जाता है। इन लोगों ने क्या भांग खा के रजिस्ट्रेशन किया है जमीन का? 10 एकड़ का प्लाट बेच के इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करके जब प्लाट बेचते हैं तो महारेरा कहां गया था? सबसे बड़ा बात तो ये है कि जिस बैंक ने हमें लोन दिया है वो कहां गया था? इन लोग का जब थर्ड पार्टी ऑडिट होता है एवरी वन ईयर वन ऑडिट विल बी अलाउ फ्रॉम द आरबीआई एज पर द रूल नंबर 69 फिफ्थ ए 209 नंबर होम लोन के एडवाइजरी में लिखा गया है। हम लोग ने सॉलिटेयर सर्टिफिकेट लेने के बाद में यहां बाय किया था, तो हमारे एडवोकेट ने तो ये बोला था कि लीगल जमीन है, सब कुछ लीगल है, तो क्या 10 एकड़ का प्लॉट था ये? नहीं था। नंबर ऑफ पजेशन की डेट डिफरेंट कैसे हो गई? विदाउट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिल्डर ने जो पॉसिबल किया है, अच्छा सबसे बड़ा जो एक स्टेटमेंट है जो अभी तक बिल्डर ने हमें वर्बली बोला है जिसका हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है, हमारे साथ में आज तक के बिल्डर ने कभी भी जेन्युइन डिस्कशन नहीं किया, ऑन द रिकॉर्ड कभी डिस्कशन नहीं किया, कोई हमारे पास में मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है, कोई उसका फोन कॉल नहीं है। हमारे लिए बिल्डर गुमशुदा है। जिस रजिस्टर्ड ऑफिस पे हमें फ्लैट सेल किया गया उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे बिल्डर डज नॉट एग्जिस्ट। सर बिल्डर का नाम क्या है? महेश पटेल, ही इज अ प्राइमरी प्रोप्राइटर ऑफ ओम साई ग्रुप एंड ओम साई इंफ्रा एंड हेतल पटेल, सी इज अ वाइफ ऑफ महेश पटेल विच इज सेकेंडरी प्रोप्राइटर, थर्ड प्रोप्राइटर एंड फोर्थ प्रोप्राइटर राठी एंड अनादर पटेल फैमिली। ओके, टोटल 6 to 7 मेंबर्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोप्राइटरशिप बट दे नॉट प्रोड्यूस द ऑल प्रोप्राइटर नेम इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस इन ओनली महेश पटेल एंड आई हैव रिसीव्ड हाईकोर्ट 3 times ऑफ नोटिस वेयर दे हैव मेंशन सपोज यू हैव नॉट इन्वॉल्व इन दिस नोटिस रिस्पॉन्स देन यू लॉस यूर फ्लैट कंप्लीटली बिकॉज यूर फ्लैट विल बी 100% मॉर्गेज बाई द DHFL अलॉन्ग विथ अनादर नावकर फाइनेंस लिमिटेड एंड अनादर 3 to 4 लोकल फाइनेंसर। सो हाउ इज इट पॉसिबल आउट ऑफ 100% मॉर्गेज इन्वॉल्वमेंट इन द सिंगल फ्लैट? दिस इज नॉट पॉसिबल एज पर द RBI, एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द सुप्रीम कोर्ट लॉ, वॉट एवर लीगल प्रोसीजर, वॉट एवर कलम नंबर 83 मारेरा 86, देन ये कैसे पॉसिबल हुआ कि 100% DHFL का मॉर्गेज जो अपार्टमेंट है उसके ऊपर में अदर फाइनेंस कैसे आ गए? ये पॉसिबल ही नहीं है। अब सबसे बड़ा तो इसका यहां हुआ है कि जो फेस 3 के नाम से इनने एडवर्टाइजमेंट के ब्राउचर में जो हमारे पास प्रूफ है जिसमें एमिनिटीज में इनने स्विमिंग पूल लिखा है, मंदिर लिखा है, बलाबला लिखा है, और सबसे बड़ी बात जो मैं यहां पे आप लोग के सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, जिसको मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रहा था लेकिन मैं आज हाईलाइट करूंगा क्योंकि आप पे मुझे बिलीव है कि आप ही मेरे मैसेंजर बन सकते हैं जो मुझे जेन्युइन यहां पे जस्टिस दिला सकते हैं। पूरे भारत देश में किसी भी संविधान में जाति को भड़काने के मैसेज नहीं किए गए, लेकिन महेश पटेल द्वारा यहां पे हमको जब घर बिक्री किया जा रहा था तो ये मैसेज डाल रहे थे वो लोग कि यहां कोई मुसलमान अलाउड नहीं है। अच्छा, यानी ये क्या देश हमारा हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा लगाने का है ना? मराठी का भी यहां पे कोई मुसलमान अलाउड नहीं है। अच्छा। कोई मुसलमान को हम फैमिली नहीं देंगे। कोणत्या मुसलमान ना इथे फ्लॅट विक्री करत नाही म्हणून तुम्ही लोक इथं घ्या विश्वासाने। म्हणजे काय हे जे मुसलमान आहेत हे आमचे भारतीय नाही का? हे काय पाकिस्तानी आहेत? हे पाकिस्तानी आहेत का? यांना असं बोलण्यात आलं की हे बाहेरून आलेले आहेत, यांच्या इथं इन्व्हॉल्वमेंट नाही आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला कमी दरामध्ये फ्लॅट विकतोय।
आणि म्हणून तुम्ही आमच्यावरती विश्वास करून इथे फ्लॅट घ्या. आम्ही गुजराती फॅमिली आहो, आम्ही कोणत्याही हिंदूच्या विरुद्ध कोणत्याही माणसाला देणार नाही. आणि तुमच्या सारखे मराठी मूर्ख माणूस इथे इन्व्हेस्टमेंट तेव्हाच करतील जेव्हा कोणी मुस्लिम फॅमिली येणार नाही. तर काय आमच्या हिंदू आणि मुस्लिम मध्ये झगडा लावण्याचा प्रयत्न आहे ना? गव्हर्नमेंट झोपत होती का काय इकडे? मुसलमान को कैसे दिया? इनको फ्लॅट दिया. ये सुरेश पटेल और मनोज पटेल करके महेश पटेल नहीं, महेश पटेल तो है ही. हाँ, लेकिन जैसे अकरम भाई ने जो 55 लाख इनको बाय चेक जो पेमेंट किया है, फेज थ्री में इनकी बुकिंग थी, बराबर. तो उस व्यवहार में एक सुरेश पटेल और एक मनोज पटेल भी इनके साथ में सामने आए हैं. क्या उनकी कुछ जानकारी है आपको? जिस प्रकार हाईकोर्ट का मुझे नोटिस आया है उसमें 9 लोगों के नाम है, जिसमें मनोज पटेल का नाम तो मुझे अभी तक लीगली दिखा नहीं है. हाँ. बट पटेल ब्रदर्स दिखा है, दूसरा नाम राठी दिखा है, हेतल पटेल मैडम है, और कुछ कजारिया एंड अदर फैमिलीज है जिनके नाम अभी मेरे पास में वो प्रिंट नहीं है. बट अगर चाहे तो मैं लेके आ सकता हूँ. उस हाईकोर्ट के नोटिस की वजह से मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है. अच्छा दामोदर जी, ये बताइए, यहाँ इतने सारे बायर्स खड़े हैं, एक आप संख्या बता सकते हैं कितने ऐसे बायर्स हैं जो 2013 से, जैसे अकरम भाई है, आप लोग 2015-16 से हैं, तो ऐसे कितने लोग जो है अभी भी जिनको पैसे उन्होंने दे दिए हैं, पेमेंट कर दिए, लाखों की रकम है और अब तक फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला है, कितने लोग होंगे? मेरे नॉलेज में अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड जो बायर्स मेंबर है जो 73 है. कितनी अमाउंट हो रही है टोटल? टोटल अमाउंट 73 की जितना लीगली हमें उनने कंसर्न फॉर्म में लिख के दिया है. हाँ? उस अनुसार कम से कम एवरेज 20 करोड़ का स्कैम है. 20 करोड़ का स्कैम, 20 करोड़ का स्कैम है. और इसमें और वो लोग 15 करोड़ के रिकवरी के लिए हमें मेंटली परेशान करने वाले है. दामोदर जी, खून पसीने की कमाई, जिंदगी भर की पूंजी इंसान जो है अपना मकान खरीदने में, अपना छत खरीदने में लगाता है. उसकी एक इच्छा होती है कि उसके परिवार को जो है एक सुकून भरी छत मिले. उसी प्रयास के चलते आप लगभग 73 खरीदारों ने यहां पर फ्लैट खरीदे, और इस दौरान ये जो कुछ भी स्कैम किया जा रहा है, तो आपने रेरा में इसकी शिकायत की है, मारेरा में की है, DDR को की है, और हर जगह आपके अनुभव कड़वे आए ऐसा आपकी बातों से पता चला है. तो किस तरीके के अनुभव आए? बिल्डर लॉबी, DDR, महारेरा, ये नेक्सस जो है कहीं ना कहीं जो है खरीदार के जो है मॉरल को डाउन करता है, उसकी लड़ाई को कहीं ना कहीं जो है उसकी धार को कम करता है, तो क्या अनुभव रहा है आपका, क्या बताएंगे इस पर? पहली बात तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी, तो संविधान में इन लोग ने एक संशोधन लाया था. उस संशोधन में ये एक कलम भी उन लोग ने ऐड करने का प्रयास किया था कि जब तक कोई गृह निर्माण कंप्लीट ना हो तब तक उस इंसान के नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए. पहला संशोधन जी, जिस संशोधन को खारिज करके बाकी अन्य पार्टियों के द्वारा वो संशोधन को कैसे भी बिल पारित करके एक रेरा का सेपरेट कानून बनाया गया. और रेरा कानून जिस दिन से बना उस दिन से हम जैसे बायर अंधे होने के बावजूद रेरा के ऊपर भरोसा करके हमने फ्लैट लिए. पहली बात तो हमने बिल्डर के ऊपर भरोसा नहीं किया. बिल्डर के ऊपर कैसे भरोसा करेगा आम आदमी? तो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करेगा, कानून के ऊपर भरोसा करेगा. रेरा के ऊपर भरोसा करके जब हम लोग ने यहाँ फ्लैट बाय किया तो गवर्नमेंट की कोई तो लॉबी होगी जो इन लोग ने ऑडिट किया होगा, गवर्नमेंट की लॉबी. और सबसे बड़ी बात जो बिल्डर लॉबी है, बिल्डर लॉबी ने रेरा के जितने भी मीटिंग्स में बिल्डर से रिलेटेड 90% कानून लाए गए. 10% जो कानून है बायर के लिए सिर्फ इतना दिया गया कि आप सिर्फ रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं, उसका एक ऑर्डर निकलेगा, लेकिन उसके ऑर्डर के ऊपर में रेरा अथॉरिटी नहीं है. अरे मेरे को ये बताओ, जब आपका बच्चा हो गया और वो बच्चे के ऊपर आपका माँ बाप का नाम नहीं, तो क्या वो नाजायज औलाद हो गई ना? यानी जब हमने रेरा के थ्रू घर लिया, रेरा में रजिस्टर किया, वो हमें कंप्लेन का आउटपुट दे रहे, और वो आउटपुट बोलते हैं कि तुम जाके कलेक्टर में सबमिट करो. हाउ इज पॉसिबल हम जाके कलेक्टर में सबमिट करें? हम लोग ने तो रेरा को देख के घर लिया था, रेरा ने ऑर्डर पास कर दिया. और सबसे बड़ी लॉबी ना सर, इसमें बिल्डर लॉबी और रेरा की जो लॉबी है, जो इसके पहले जो हमारे चेयरमैन थे रेरा के चटर्जी सर ने रेरा में इतने कंप्लेन जाने के बाद में क्यों ब्लैकलिस्टेड नहीं किया? मेहता सर ने जैसी चार्ज लिया 1144 अपार्टमेंट को कैसे ब्लॉक कर दिया, हमारे पास न्यूज है उसका, गवर्नमेंट वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है. इनने रेरा में एक्सटेंशन कैसे दिया हमारे परमिशन के बिना, बिल्डर को कैसे बिना परमिशन के रेरा में एक्सटेंशन मिल जाता है? इसका मतलब कुछ तो अंदर में स्कैम हो रहा है ना, कुछ तो स्कैम हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, रजिस्टर ही नहीं करना चाहिए.
सबसे बड़ी बात अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचने के बाद में हम इन लोग को ईएमआई दे, सबवेंशन प्लान किसका गया हुआ है? सबवेंशन प्लान कोई सुप्रीम कोर्ट और कोई संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। सबवेंशन प्लान बिल्डर लॉबी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बनाई हुई लोगों को उल्लू बनाने के लिए एक सबवेंशन प्लान की स्कीम निकाली गई है, जो ओनली रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू संविधान 69 में प्रमाणित की गई है कि आप सबवेंशन प्लान दे सकते, जिसके ऊपर आरबीआई ने यह बोला था कि 18 महीने की ईएमआई प्री ईएमआई बिल्डर भरेगा और 18 महीने के बाद की ईएमआई कस्टमर भरेगा। आज तक नहीं भरा है। दामोदर जी, रेरा में, महारेरा में आपने लिखित शिकायतें की है, वहां पर बाकायदा आप उसका फॉलोअप कर रहे हैं, क्या रेरा से अब तक प्रतिसाद मिला है? किस तरीके रेरा ने हियरिंग करके आपकी सुनवाई के दौरान क्या निर्णय दिए है, क्या किस तरह के आदेश पारित किए? महारेरा ने जब महारेरा इस्टेब्लिश हुआ था तब 3 के ऊपर हियरिंग नहीं जाने वाली थी। इसकी एडवर्टाइजमेंट माननीय देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट में बहुत सारे होर्डिंग लगाए गए थे कि 3 हियरिंग के ऊपर आपका केस एक्सटेंड नहीं होगा। आज मेरा केस ट्रिब्यूनल में 4th हियरिंग और अभी कमिंग हियरिंग मेरी 19 सितंबर को आई है, जो दैट इज अ 5th हियरिंग इन द ट्रिब्यूनल। 1 ऑफ द रेरा नॉर्मल, 2nd इज अ नॉन एग्जीक्यूशन, 3rd इज अ ट्रिब्यूनल। सो आई स्टे इन द ट्रिब्यूनल इन द रेरा। हाउ इज इट पॉसिबल इन द ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल बिल्डर विल बी अपील कि बायर्स इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज माई लैंड इज नॉट अक्वायर फ्रॉम द लैंड ऑनर। अरे लैंड ऑनर से तुमको अक्वायर नहीं मिला तो तुमने बिल्डिंग बनाया कैसे? बराबर। हाँ, तुम्हें बिल्डिंग बनाया कैसे, बिल्डिंग को रजिस्ट्रेशन किया कैसे, और बिल्डिंग रजिस्टर होने के बावजूद जब तुमको टीएमसी ने 11 मंजिल का परमिशन दिया था तो क्या टीएमसी के बड़े ऑफिसर ने पैसे खा के 19 मंजिल का दे दिया क्या? यानी कल चल के 19 मंजिल बनेगा और सबके घर में पूरा सामान आएगा तो पूरा बिल्डिंग क्रैश। यानी इसमें थाने महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी की कहीं ना कहीं मिली भगत है 100% सर। बिल्डर विदाउट मिली भगत कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। और मेरे को ये बताओ, जब एमएनएस न्यूज चैनल ने पूरा न्यूज प्रोपेगेंडा किया था कि महारेरा 3 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, रिजल्ट आया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ सर, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कानून तो बन जाता है, कानून चलना जरूरी है ना, चलना जरूरी है। अगर कानून बन गया तो रेप क्यों हो रहे हैं, कानून बन गया तो हत्या क्यों हो रही है? एक रेपिस्ट दूसरा रेप क्यों कर रहा है महिलाओं का? क्योंकि कानून वैसा बना ही नहीं है। सेम हमारा महारेरा में है, क्योंकि उसको मालूम है महारेरा में हमारी 45 कंप्लेन रजिस्टर है। अब 45 कंप्लेन के बाद में बिल्डर का अगर कुछ नहीं होता है तो बिल्डर तो और लोगों को ये करेगा ना, फ्रॉड करेगा ना। और इसी बेस पे उसने कल्याण में सबसे बड़ा स्कैम किया। और सबसे बड़ी निंदा की बात तो ये है कि जो कानून को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, उसको हम आम आदमी होम मिनिस्टर बोलते हैं, होम मिनिस्ट्री के पार्ट को बोलते हैं हम पुलिस खाता। जो हम आम आदमी को ये बताया जाता है कि कानून व्यवस्था को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं पुलिस खाता। अरे बिल्डर ने पुलिस वालों के साथ ही फ्रॉड कर लिया, पुलिस वाले जी भी यहाँ पर धोखाधड़ी हो गई, पुलिस वाले के साथ ही फ्रॉड कर दिया। यहाँ हमारे बायर्स की लिस्ट में 3 पुलिस वाले हैं। अच्छा। और पुलिस वाले यहाँ मीडिया के सामने नहीं आ रहे कि हमारी जॉब चले जाएगी, हमारा मर्डर हो जाएगा। तो भैया जब तुम सुरक्षित नहीं हो तो हम कैसे सुरक्षित है? हमारे साथ जो है एक और बायर है यहाँ के, ओम साई ग्रुप के शुक्ला जी। शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे, काफी सारी बातें दामोदर जी ने बताई है, आप क्या बताना चाहेंगे? रेरा का कैसा प्रतिसाद होना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? डीडीआर की सारी गलतियां है, टीएमसी का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, शहर विकास विभाग, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है। 2015-16 से आप लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, मगर अब तक जो है ये कंस्ट्रक्शन अधूरा पड़ा हुआ है और आपको फ्लैट हाथ में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? मैं शुरुआत करूंगा 2012 से। मैंने जब यहाँ पे बुकिंग किया था तो बुकिंग यहाँ पे भूमि पूजन पे हुआ था, यहाँ से लेके दीवा स्टेशन पूरा मेला लगा हुआ था। ये इन लोगों का प्रोपोगंडा रहता है कि कैसे क्लाइंट्स को अपनी तरफ हम लोग अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे आने के बाद में बुकिंग के वक्त पे सबको पहले 100 बुकिंग्स को स्कूटी दी जाएगी, उसके बाद में लोगों को कार दी जाएगी। ना कार रही ना स्कूटी रही, ना हमको टायर तक नहीं मिला है। फ्लैट की तो बाद में करूंगा। दूसरी बात यह है, मैं सबके बिहाफ में यहाँ पे बात करने के लिए खड़ा हूँ। दामोदर जी के बात को कंटिन्यूशन आगे करते हुए करूंगा कि हम तो आम आदमी है ना, हम किसी गवर्नमेंट लेवल पे जॉब पे हैं ना, हमारे पास कोई ओहदा है ना, हम किसी मंत्री के रिलेटेड हैं। बट इन लोगों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा हुआ है, बावजूद इसके इनका यहाँ पे ऑफिस है। ऑफिस आज फ्लैट से भी बदतर कंडीशन है, खंडर में पड़ा हुआ है। इन्होंने इनके ऑफिस के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ थे, वो जला तक दिए गए।
और 15-16 की तो बात छोड़िए, मैं 2012 से यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, पैसे दिए हुए हैं, मेरे दो फ्लैट है यहाँ पे 2BHK 2BHK। कितना अमाउंट है आपका? मेरा टोटल ऑन रिकॉर्ड जी विथ रिकॉर्डिंग के साथ में विथ ईच एंड एवरी कैलकुलेशन 60 लाख रुपीज मैंने आज तक पेड किए हुए हैं जी। ये अमाउंट बताना इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये पैसे मेरे हराम के नहीं थे, ना मैंने किसी से उधार मांगे, ना मैं चुरा के लाया था। बिल्डर के पास हम बुकिंग किसके लिए करते हैं कि इस तरह मीडिया ट्रायल लेने के बाद में हमको फ्लैट मिले, हम जाके केस करें तो हमको फ्लैट मिले, हम एडवोकेट हायर करें तो हमको फ्लैट मिले। बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट रख के पैसे दिए जाते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लोग किस हिसाब से इन्वेस्ट करें। आज ये फ्लैट का आपने पूरा प्रोजेक्ट का आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया रहेगा, आप फुटेज इसकी लगाइए। हमने रेरा में ट्रायल करने के बाद में वहां पे भी इन्होंने झूठ फुटेज डाली हुई है कि नहीं हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। जो इनको प्रॉब्लम, जो इनको इश्यूज थे जो स्टार्टिंग में आए थे, वही इश्यूज इनके 10 साल से चले। आज हमको 2012 में इन्वेस्ट करने के बाद वी आर इन 2021, हम आज भी ये चीज को सुन रहे हैं कि 10 दिन में काम चालू होएगा, 15 दिन में काम चालू होएगा। यहाँ पे वॉचमैन बदल गए, वॉचमैन लोगों के साथ में इनके सुपरवाइजर बदल गए, जिसको भी हायर किया जाता है झूठ बोल के हायर किया जाता है कि हाँ हम आपको एक फ्लैट दे देंगे, एक फ्लैट दे देंगे, एक फ्लैट दे देंगे। एक ही आदमी के नाम पे 3-3 फ्लैट की सेलिंग हुई है, बुकिंग्स हुई है। मेरी फैमिली के मैं अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर मेरी फैमिली, आज मेरी फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फ्लैट मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, हमने यहाँ पे 2BHK 2BHK दो फ्लैट बुक किया था ताकि मेरी 10 जन की फैमिली है वो उस फैमिली के उस फ्लैट के अंदर रह सके। आज मेरे फादर मुझसे बात नहीं करते, ये तो मेरी कहानी है सर। इसके अंदर कम से कम आप लोगों को 60 से 70 लोगों के आपको यही सेम स्टोरी मिलने सुनने के लिए मिलने वाली है। ऑफिस में जाते थे धमकियां पे धमकियां मिली, हम बिल्डर से धमकियां लेने के लिए यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हमने फ्लैट बुक किया था तो हमको कॉल पे बात होती थी, मोबाइल पे बात होती थी, आज वो हमको व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात होती है। आज यहां पे लेडीज आती हैं, बच्चे लोग आते हैं, आधे से ज्यादा लोग, कोविड 2 साल से चल रहा है। ये हमारी मैडम है, ये भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। सर मेरा नाम सीता सिंह है और मैंने यहाँ पे जो फ्लैट बुक किया था वो 2016 में फ्लैट बुक किया था। जी नहीं, ये दूसरी बायर। अच्छा ठीक है सीता जी, कब आपने फ्लैट बुक किया था? मैंने 2016 में बुक किया। 2016 में कितना अमाउंट अब तक पेड किया है? मैंने अभी तक उनको 14 लाख रुपए पे कर दिए। 14 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह दिया है उन्होंने? कुछ मेरा बकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ था ये बोल के कि 2017 में मुझे पजेशन दिया जाएगा, और वो मेरा पहला घर था जो मैंने बुक किया था जी। और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे रहने के लिए मैंने घर बुक किया था, लेकिन आज हम 2021 में हैं जो अभी तक हमको मिला नहीं है। और मैं एवरी संडे 2016 से मैं एवरी संडे इस प्रोजेक्ट पे आती हूँ और ये कंडीशन मैं 2016 से ही देख रही हूँ। यानी कि 5 साल हो गए, कुछ काम नहीं किया, स्थिति बनी हुई कुछ है, काम नहीं किया। और यहाँ पे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, बिल्डर आता है कि नहीं, बोलते नहीं 10 दिन में काम शुरू होगा, 15 दिन में काम शुरू होगा। और यही सुनते सुनते आज हमको 5 साल हो गया। हम लोग रेरा में भी गए बट रेरा में ओनली ऑर्डर कॉपी मिली है, बाकी एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया है। सीता जी, अभी दामोदर जी से बात हुई, शुक्ला जी से बात हुई, तो दामोदर जी ने एक बातें मतलब कुछ ऐसी बातें इशारे में बताई है कि आप जैसी जो महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ मकान फ्लैट बुक किए थे, तो उन महिलाओं के साथ बिल्डर द्वारा कुछ धमकाने वाला मामला, अभद्रता वाली भी बातें कुछ हुई है, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ या आपके कान पर ऐसा कुछ आया है? जी नहीं, अभद्रता तो हमारे साथ नहीं हुआ है। हमारे ग्रुप में एक लेडी है जो उनके साथ हुआ है। अच्छा, लेकिन मैं एक लेडीज हूँ और मैं वर्किंग हूँ, मैं खुद के बेस पे अकेले बेस पे मैंने जितनी भी कमाई की थी मैंने सारे इस फ्लैट पे डाल दिए। उसके बाद रेंट देना, ईएमआई देना, बच्चे को पढ़ाना, घर खर्च चलाना, आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम हैंड टू माउथ भी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जाके या तो भीख मांगना पड़ेगा या तो हमें सुसाइड करना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि हम घर खर्च चलाएं, रेंट दे, ईएमआई दे, बच्चे की पढ़ाई, या फिर हम क्या करें। फिर अगर हमारा घर मिल गया होता तो आज हमको रेंट पे नहीं करना पड़ता। आज 10,000 के नीचे कहीं पे भी रेंट नहीं है जी। तो हम इतना कमाते नहीं है कि हम 10,000 रुपए रेंट दें और हम यहाँ पे 15,000 रुपए ईएमआई दें। घर का खर्चा हमारा 20,000 के नीचे नहीं होता है, विद फैमिली हम रहते हैं, कहाँ से करेंगे हम लोग। अगर हमारा घर मिल गया होता तो वो 10,000 रुपए हम जो रेंट पे दे रहे हैं वो हमारा बचता। आज सिचुएशन ऐसी है कि हम सुसाइड कर, मैं आपको एक कपल है, मैं उनका आपको स्टोरी बताती हूँ। हमारे ग्रुप में ही है, हस्बैंड और वाइफ हैं। हस्बैंड ने अपना पहला घर यहाँ पे उन्होंने बुक करवाया था। कंडीशन ये है कि आज 1 साल पहले वो एक्सपायर हो गए।
101 आज उनकी वाइफ जो है पैरालाइज होके, वो सिचुएशन ऐसी है कि वो बेचारी आ नहीं सकती है। मेरा उससे फोन पे बात होता है, बहुत रोती है वो कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड ने पहला घर बुक करवाया था, रहने के लिए करवाया था, सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ना तो हमको घर मिला और मेरा हस्बैंड भी नहीं रहा। मतलब हम ये सोच के बुक करवाते हैं आपका घर कि एटलीस्ट हमारे सर के ऊपर एक छत हो जो हमारा पूरा परिवार एक साथ रहे। अरे लोग यहाँ पे तो इतने रिटायरमेंट लोग हैं जो अपने रिटायरमेंट का फ्यूचर के बारे में सोच के यहाँ पे घर बुक करवाया था कि रिटायरमेंट के बाद हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन उसमें से भी दो लोग मर गए ये वेट कर करके कि ये कब घर मिलेगा। सिचुएशन ऐसी है सर कि हमके बस मरने का है यहाँ पे, लेकिन हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है। अब हमें जस्टिस कैसे मिलेगा आप देखिए। मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान, मोहम्मद अकरम अब्दुल सलाम खान जी। अकरम भाई, ये ओम साई ग्रुप का ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम खड़े हैं, पीछे ये प्लॉट दिख रहा है जी, ऐसी अभी जानकारी मिली है कि ये डिस्प्यूटेड है। बिल्डर जो ओम साई ग्रुप के पटेल बिल्डर्स है, उनके कब्जे में ये प्लॉट आया भी नहीं था और उसके बावजूद उन्होंने बुकिंग उठाई और उसमें आपकी एक बुकिंग है। और अब बात करते वक्त जो है दामोदर जी ने बताया कि वो उन्होंने एक नियम बनाया था कि मुस्लिम इज नॉट अलाउड, यानी कि मुस्लिम को देंगे नहीं, तो उसके बावजूद यहाँ पर आपसे जो है बुकिंग ली गई है। कितना पैसा आपने दिया, कब दिया और अब स्थिति क्या है? मैंने 2013 में इनको 55 लाख रुपया 54,91,000 समथिंग यानी नियर अबाउट 55 लाख रुपया दिया हूँ बाई चेक NRI अकाउंट से। और इनके ऑफिस टेम्बी नाका में इन लोगों ने इधर एक ऑफिस बनाए हुए हैं, उसमें सुरेश पटेल, मनोज पटेल और ये महेश पटेल, ये तीनों भाई एक साथ पे वहाँ पे थे, डील किए मेरे साथ, मैं मेरा फैमिली थी और क्या बोलते हैं वहाँ से मुझे गाड़ी पे बैठा करके लेके आए मनोज और सुरेश यहाँ पे साइड पे, साइड दिखाया मुझे, मैंने देखा, फिर उसके बाद फिर ये लोग लेके गए वहाँ पे, मुझे ब्रोशर भी दिया। आज भी मेरे पास ब्रोशर है, उस हिसाब से जो बिल्डिंग इन्होंने मुझे ब्रोशर दिया था कि इस बिल्डिंग में बुक करना, वो बिल्डिंग इन्होंने नहीं बनाया आज तक जी। क्या कानूनी कार्रवाई की इस पर आपने? मैंने इसमें इन्होंने मुझे चेक दिया 50-50 लाख का, हाँ। तो वो जब मैंने इसमें डाला अपने अकाउंट में तो उन्होंने उसको स्टॉप करवा दिया। 50 लाख के चेक आपको दिया जी, कुछ 1,10,00,000 की बात आपने बताई। 1,10,00,000 इन्होंने हमसे जैसे हमको 4 साल हो गया तो इन्होंने हमको, हमने कहा रजिस्टर करके दीजिए, रजिस्ट्रेशन करके दीजिए, पीछे पड़े। तो इन्होंने जब इनके पास वो बिल्डिंग नहीं थी, जमीन ही नहीं थी, तो किस बेस पे ये रजिस्ट्रेशन करके देते? तो ये हमको घुमाते रहे 4 साल तक हमको घुमाते रहे। हम सऊदी में काम कर रहे थे तो हमको आने जाने में दिक्कत होती थी, तो फिर उन्होंने चेक दिया, चेक डलवाया अपने एक दोस्त से, तो वो चेक जो है बाउंस हो गया। फिर हमारे दोस्त ने बोला कि आपका चेक बाउंस हो गया, आपको आना पड़ेगा। हाँ। फिर मैं वहाँ से भागा, वो सऊदी से यहाँ पे आया मेरी फैमिली के साथ। फिर मैंने इनसे पूछा कि इनके ऑफिस में पूछा कि भाई अब चेक डाल दो, एक तो बाउंस हो गया, बोले ठीक डाल दो। जब फिर मैंने दोबारा डाला तो फिर इन्होंने बाउंस करवा दिया तो फिर मैंने 138 का केस विक्रोली में दाखिल किया। अच्छा जी, आप मूल रूप से विक्रोली के रहने वाले? नहीं, मैं मूल रूप से घाटकोपर के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए आपने रेरा में कोई शिकायत की? महारेरा में शिकायत की थी, कोई फायदा रेरा में नहीं हुआ जी। और स्थानीय पुलिस स्टेशन वगैरह कहीं कुछ? अभी मैं खड़ी हुई है 10 दिन पहले, मैं इस पे डाइगर पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन दिया, उन्होंने कंप्लेन लिया, अभी कोर्ट में, थाना कोर्ट में हेयरिंग 7 तारीख को थी, ये लोग आए नहीं। अब नेक्स्ट हेयरिंग 13 तारीख को, 13-8 को है। नहीं मतलब ये हेयरिंग किस चीज की? उनके बेल की है? बेल की थी, क्योंकि अभी तो मामला दर्ज हुआ है तो ट्रायल वगैरह तो शुरू नहीं हुआ होगा। नहीं अभी सिर्फ बेल के लिए, ये लोग आए नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो अभी पुलिस इनको खोज नहीं रही है, इतना बड़ा फ्रॉड किया, आपके 50 लाख है और अन्य लोगों के इतने पैसे हैं। अभी इतना बड़ा बिल्डर है कि इसको पुलिस क्या, यहाँ के मिनिस्टर लोग भी नहीं खोजते, ऐसा है। मतलब काफी बैकिंग है उसको, सिस्टम का, पूरे सिस्टम का बैकिंग, पूरे सिस्टम पे इसने दबा के रखा हुआ। ठीक, ओके।